खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक तमाम सरकारों में मंत्री रहे, डिप्टी स्पीकर रहे और रिसेंटली इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला हम सवाल आपसे ये करेंगे, 84 साल उम्र हो गई आपकी, जब आप 20 साल पहले अपनी स्मृतियों में पीछे जाते हैं तो इस 20 साल का क्या हासिल हुआ, क्या मिला झारखंड को, क्या कहेंगे? एक तो है कि बहुत दिन से मांग थी कि भाई अलग प्रांत बनना चाहिए, ये मिला। और उसके पीछे जो सोच थी, जो लोगों का विचार था कि हम लोग जब राज बनाएंगे, हम लोग का राज अपना होगा तो विकास का काम हम लोग ज़्यादा करेंगे और यहाँ के लोगों को जो रोज़गार के दृष्टिकोण से जो आज रोज़गार उतना उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धता बढ़ेगी, ये एक सोच थी। परंतु इस 20 साल में कई पार्टियों की सरकारें बनी, कई सरकारें बनी, कई मुख्यमंत्री बने, परंतु मेरे विचार से कि कोई भी सरकार जिसी किसी की पार्टी की रही हो, झारखंड को किस ढंग से विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया जाए इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया। मूलतः हम यहाँ दो चीज़ बढ़ सकते थे, एक तो उद्योग, दूसरा कृषि। आज दोनों क्षेत्र में ही अगर पुराने उद्योगों को छोड़ दिया जाए, यानी HSE और बोकारो, तो फिर नया तो एक बना नहीं। ऐसी स्थिति में जो प्लान की आज स्थिति जो बनी है, आपने देखा होगा कि भाई करीब करीब 7 लाख लोग प्रवासी मजदूर बनकर बाहर गए, यानी उतने लोगों का जो मैन पावर हमारे देश से बाहर गया, हमारे प्रदेश से बाहर गया, राज्य से बाहर गया। अगर हम उसका उपयोग करते होते तो शायद यहाँ का जो मानचित्र है आर्थिक दृष्टिकोण से बदल गया होता। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, किसी सरकार ने इस पर काम नहीं किया, नीतिगत जो उनका निर्णय रहा था वो डेवलपमेंट से इतर अपने सरकार को बचाने में वो लगे रहे, मेरा ये सवाल है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री आदिवासी थे बाबूलाल मरांडी, हमने उनको भी देखा, और हम जो रघुवर दास गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हमने देखा, हर मुख्यमंत्री के काल में जमकर करप्शन हुआ, जमकर लूट हुई। आपकी पहचान एक सादगी पसंद राजनेता के तौर पर हम जानते हैं, आप 8 बार के सांसद हैं फिर भी रिटायरमेंट के बाद खूंटी में रह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है अमूमन, लोग दिल्ली मुंबई और पता नहीं कहां कहां मकान बना लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ? अधिकारी मंत्री ठेकेदार का नेक्सेस यहां क्यों हावी हुआ? देखिए, मेरे अपना विचार से ये है कि घर का मुखिया जैसा होता है उसके परिवार के सदस्य भी उसी ढंग से सोचते और करते। जब राज्य का मुख्यमंत्री के विचार में ही कोई विकास के दृष्टिकोण से कुछ सोच नहीं बना तो पदाधिकारी भी लिपाप होती है, अपना कर रहे हैं जो रूटीन काम उनका है करते हैं, तो उनको तो नौकरी करना है। सरकार जो आदेश देगी, सरकार जो योजना बनाएगी, सरकार जो नीति लागू करने के लिए कहेगी लागू करेंगे, नहीं करेगी सरकार तो जो काम कर रहे हैं करेंगे। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि इसी ढंग से लोगों ने किया, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। यही आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो मैं सोचता हूँ कि कारण यही है, क्योंकि काम के दृष्टिकोण से जो एक सोच होना चाहिए, जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उस दृष्टिकोण से कामों को ठीक से करने के लिए उसकी ठीक से निगरानी हो, इसकी व्यवस्था नहीं हो तो फिर इसी तरह का काम चलता है। आप तो संघ के स्वयं सेवक भी रहे हैं, आपकी पहचान एक अनुशासित सिपाही के रूप में हम जानते हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की 5 साल सरकार चली, उनके तमाम सरकार के जो फैसले हैं
जो सरकारी कामकाज है उसकी जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उन्होंने सौंप दी है, आपको कभी लगता है आप सोचे भी थे कि बीजेपी जैसी पार्टी के मुख्यमंत्री पर इस तरीके के आरोप लगेंगे? मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और रघुवर दास में कम से कम एक अंतर तो ये है ना कि रघुवर दास बीजेपी से थे, संघ जिसका अभिभावक है। आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, कभी सोचते हैं इस पे? नहीं, वैसे भी मधुकड़ा भी मूलतः तो बीजेपी का ही था, बाद में उन्होंने निर्दलीय बना। दुर्भाग्य से ये है कि सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए काम में भी परिवर्तन नहीं आया। और मैं तो ये कहता हूँ कि रघुवर दास ही क्यों, अगर जांच हो तो 2000 से लेकर आज तक जितने मुख्यमंत्री या मंत्री बने हैं सबका होना चाहिए, क्योंकि करप्शन तो आपने जैसे कहा, आपने कहा कि करप्शन तो शुरू से ही हो गया है, तो ऐसी स्थिति में शुरू से होना चाहिए। और जो भी दोषीदार, कोई भी पार्टी का आदमी उसको मतलब नहीं है, जो भी दोषीदार इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ऐसे लोगों को निश्चित रूप से खोज कर निकालना चाहिए। तो आपकी उम्र 84 साल हो गई, लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी कम उम्र के नहीं हैं, उनकी भी अच्छी खासी उम्र है। आपको इस उम्र के पड़ाव पर पार्टी ने एक तरीके से रिटायर कर दिया, तो आज कोई संपर्क है पार्टी से या बिल्कुल कोई अब लेना देना नहीं है पार्टी से, क्या कहेंगे? वैसे तो पार्टी के कार्यक्रम चलते हैं, बुलाते हैं तो जाते हैं, और पार्टी के कार्यक्रम में होते हैं, पार्टी के दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से भी होता है तो जाते हैं, परंतु पहले जैसे जितना एक्टिव थे अपने ढंग से भी राजनीति करने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रयास करने का काम जो हम करते थे वो नहीं। कोई पार्टी कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती है, ऐसा है क्या? वो सब नहीं मानते हैं, पार्टी संबंध कैसे नहीं रखेगा, रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोई ना कोई काम ऐसा पड़ता है कि हम लोग साथ काम करना पड़ता है। नहीं तो पार्टी लेवल पर, बड़े लेवल पर पहले से और अब में फर्क तो है ना, पहले जो एक सामूहिक एक जो भावना थी बीजेपी में, आपको लगता है कि उसमें अंतर आया है? थोड़ा अंतर आया है। किस तरीके का अंतर? सभी लोगों को लेकर एक सामूहिक निर्णय करने के दृष्टिकोण से जो पहले एक समूह या टीम वर्क होता था, उनको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, और इसीलिए बहुत से लोग आज जो पुराने हैं, या केंद्रीय स्तर के हों या प्रदेश स्तर के लोग हैं, वो एक तरह से तो लगता है कि भाई ये इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, और इसी ढंग से ज़्यादा लोग सोचते भी हैं। ये एक अंतर है, पहले ऐसा नहीं था, पहले चाहे कितनों बुजुर्ग हो या नया हो, सब लोग मिलकर काम करने के दृष्टिकोण से अपने अपने दायित्व को निभाते थे, और उस दृष्टिकोण से एक सामूहिक निर्णय, सामूहिक काम और सामूहिक प्रयास होता था, आज उसमें कमी है। तो वयोवृद्ध नेता, 8 बार के सांसद, बीजेपी के पुराने सिपाही करिया मुंडा जी का मानना है कि बीजेपी जो आज की बीजेपी है उसमें टीम वर्क की जो सामूहिक भावना जिसको हम कहते हैं उसमें कमी आई है, सीनियर लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया है, अब उनकी पूछ पहले की तरह नहीं रही, और सिर्फ रघुवर दास ही क्यों, 2000 से लेकर 2020 तक जितनी भी सरकारें आईं सभी सरकारों के कामकाज की जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, रांची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।